Hi everyone, welcome to Rest to IT. So my dear friends, today I am here to discuss 5 super most sample pattern problem for your forthcoming JEE Advanced exams from definite integrations. So you can expect 5 most important questions from definite integrations. You can expect most expected questions from definite integrations. So my dear friends, clear maine jo socha hai definite integrations mein kam se kam 100 questions discuss karenge. Clear, before that I want to tell about my Ranker Mathematics. So my dear friends, Ranker Mathematics, this is strictly for JEE Advanced aspirants. It contains more than 250 video lectures. Each lecture consists of 5 questions. Out of 5 questions, few of them from past JEE Advanced exams and few of them are very good innovative, constructive, scientific and conceptual questions. Clear? So my dear friends, before that I want to tell my Ranker Mathematics. So this is total video lectures itna hoga kam se kam, theek hai, total questions to discuss karenge kam se kam 1500 questions hoga, jyada se jyada ye 2000 tak bhi ja sakta hai. Already 162 video lectures main upload kar chuka hu mere channel pe. Clear, jo class 11th ka hai almost done hai. Almost done means kya, 75% is done, theek hai. And class 12th के लिए जो टॉपिक्स है देखो, रियल फंक्शंस का टीएन अपलोड कर चुका हूँ, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, डिफरेंशिएशंस एंड इंडेफिनिट इंटीग्रेशन सब का करके 10 लेक्चर्स, वीडियो लेक्चर्स अपलोड कर चुका हूँ. सो दैट मीन्स 10 लेक्चर्स मीन्स 50 क्वेश्चन, 50 फैंटास्टिक क्वेश्चन यू विल गेट. मुझे जो लगता है आफ्टर प्रैक्टिसिंग दिस टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम यू फील कम्फर्टेबल इन द सब्जेक्ट. अभी जो मेरा इरादा है डेफिनेट इंटीग्रेशंस में कम से कम 20 वीडियो लेक्चर्स यू विल गेट. एंड हियर देखो, वेक्टर्स एंड 3D ज्योमेट्री में 5 ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ. क्लियर, आप लोग देख सकते हो क्लियर, लेकिन इसके ऊपर और भी काम करेंगे, ठीक है. क्लियर, अच्छा अच्छा क्वेश्चंस का प्रेजेंटेशंस देंगे, ठीक है. सो माय डियर फ्रेंड्स, डेफिनेट इंटीग्रेशंस का बाद अभी जो पोर्शंस है, एरिया बाउंडेड बाय द कर्व एंड डिफरेंशियल इक्वेशंस, ये सारे पोर्शंस ना थोड़ा समझने का है. इफ़ यू अंडरस्टैंड द जस्ट सिंपल बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स, यू कैन इजीली सॉल्व फ्रॉम दिस चैप्टर्स. क्लियर, सो दिस इज डेफिनेट इंटीग्रेशंस, एरिया बाउंडेड बाई द कर्व, डिफरेंशियल इक्वेशंस एंड इंडेफिनिट इंटीग्रेशंस का मैंने 50 टोटल क्वेश्चंस अपलोड किया. जेई मेन के लिए 32 क्वेश्चंस एंड जेई एडवांस के लिए 50 क्वेश्चन. सो दैट मीन्स क्या, 80 क्वेश्चंस, मुझे जो लगता है 80 क्वेश्चंस अच्छे ढंग से प्रैक्टिस करने के बाद यू कैन फाइट, ठीक है. क्लियर, कोई भी क्वेश्चंस आए यू कैन फाइट दैट क्वेश्चंस ईजिली माई डियर फ्रेंड्स. पहले लेकिन प्रैक्टिस करना, जरूर प्रैक्टिस करना, क्योंकि ना इसी टाइप का क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है, ठीक है. क्लियर, सो दिस इज डेफिनेट इंटीग्रेशन से तो आपको बहुत बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चंस मिलेगा, ठीक है. ये सब क्वेश्चंस करने के बाद आपका अंदर कॉन्फिडेंस डेफिनेटली बिल्ड होगा, ठीक है. दैट टाइम कोई भी क्वेश्चंस आपको दिया जाए यू कैन सॉल्व दैट क्वेश्चंस इजीली. क्लियर, सो माय डियर फ्रेंड्स, ये माय डेफिनेट इंटीग्रेशंस चैप्टर शुरू करने से पहले आप लोगों को बता देना चाहते हैं, क्लियर. लेकिन मेरा जो रैंकर मैथमेटिक्स है पूरा इंडिया में कोई इंटरनेट में ऐसा करके प्रोवाइड नहीं किया. लॉकडाउन पे घर पे बैठा हूँ, इसलिए मैंने कुछ कंस्ट्रक्टिव करने के लिए सोचा हूँ, ठीक है. क्लियर, सो माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है. ये सब करने के बाद मुझे जो लगता है कोई आपको IIT का गेट से हटा नहीं सकते, ठीक है. क्लियर, मैथमेटिक्स में आपका बहुत अच्छा कमांड हो जाएगा. इफ़ यू वांट टू क्रैक JEE एडवांस एग्जाम्स विद ग्रेट कॉन्फिडेंस, यू हैव टू फॉलो मी, फॉलो माई चैनल, फॉलो माई इंस्ट्रक्शंस एंड प्रैक्टिस, ठीक है. कंस्ट्रक्टिव क्वेश्चंस थॉरली, आफ्टर प्रैक्टिसिंग दिस टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम यू फील कंफर्टेबल इन द सब्जेक्ट्स. सो माय डियर फ्रेंड्स, क्लियर, दिमाग में ये रखो, प्रैक्टिस टिल यू परफेक्ट. तब तक प्रैक्टिस करते रहना जब तक आप परफेक्ट नहीं बन जा रहे हो. क्लियर, प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट. इफ़ यू प्रैक्टिस दिस टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम प्रॉपरली, सो यू कैन चेंज योर फॉर्च्यून, यू कैन चेंज योर डेस्टिनी. एवरीथिंग इज इन योर हैंड. कहाँ प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना था, अभी IIT का गेट से आपको कोई हटा नहीं सकते जब ये 1500 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करके जाओगे. दैट्स ऑल माय डियर फ्रेंड्स.
Hi everyone, welcome to REST to IIT. So my dear friends, now I will discuss 5 super most sample pattern problems for your forthcoming JEE Advanced exams. आज का जो questions है इसी type का questions है. So my dear friends, this is innovative, scientific, constructive and conceptual questions. इसी type का questions JEE Advanced exam में पूछा जाता है. आपको इसी type का questions प्रैक्टिस करने के बाद ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा. दैट टाइम कोई भी क्वेश्चंस आपको दिया जाए, यू कैन सॉल्व दैट क्वेश्चंस. सो माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है लाइक दिस. अभी इसको क्या करोगे ना, यहीं पे देखो 1 बाई एक्स है और इधर एल एन एक्स है. सो दिस इज पुट एल एन एक्स इक्वल टू टी है. जब ऐसा पुट करोगे तो ई का जब ए क्या होगा, 1 होगा, ए क्या होगा, सो दिस इज टी एंड सो दिस इज 1 प्लस 1 माइनस एल एन टी एंड सो दिस इज टी. इसको ए कर दो, सो दिस इज टी माइनस एल एन ऑफ टी. ठीक है, क्लियर. सो माय डियर फ्रेंड्स, सो दिस इज इज वर्ड. ठीक, सो दिस इज इन टू डी टी. अभी क्या करोगे, यहीं पे देख कर पता चल रहा है फिर क्या करना है, ए टी को इसका साथ रखो, 1 बाई टी माइनस 1 एंड सो दिस इज टी माइनस एल एन टी. ठीक है, एंड सो दिस इज डी टी है. अभी भी तो आपको पता ही चल रहा होगा, देखो इसका डेरिवेटिव क्या है, ए है. सो माय डियर फ्रेंड्स, सो दिस इज यू कैन राइट, सो दिस इज 1 प्लस, अभी इंटीग्रेट कर दो, सो दिस इज टी एंड सो दिस इज लॉग ऑफ टी एल एन टी. ठीक है, एंड जो लिमिट है सो दिस इज 1 से 2 0 दिस. ठीक है, अभी यहीं पे क्या है, इसको पहले कर लो, ए क्या होगा 2019 और ये पहले ऊपर का ले लो, सो दिस इज लॉग ऑफ. ठीक है, सो दिस इज 2020 एंड सो दिस इज. ठीक है, एंड एल एन टी, एल एन टी मीन्स क्या, लॉग ऑफ, सो दिस इज वेल एल एन 2020. आई थिंक दिस यही आंसर है. अच्छा, वन पुट करोगे, लॉग 10 है, टी ए 1 है, ए भी लॉग 10 है. सो माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है, क्लियर. इस जस्ट सिंपल वे में यू कैन थिंक लाइक दिस. ठीक है, तो यार पहले समझने का कोशिश करो, फिर प्रैक्टिस टिल यू परफेक्ट. तब तक प्रैक्टिस करते रहो जब तक आप परफेक्ट नहीं बन रहे हो. Now we'll discuss like this. So my dear friends, ये भी देखो बहुत अच्छा questions है. ठीक है, इस टाइप का questions पूछा जाने का possibilities है. ऐसा un is equal to this, so it will get, so this is equal to, obviously you can say, so my dear friends, यहीं पे क्या है देखो put. ठीक है, यहीं पे ये जो दो clear integrations है, हमें क्या है un को vn का form में लिखना है. वो कैसे होगा ना, जब x इक्वल टू सपोज टू टी है. ठीक है, तो 2 एक कॉमन आ जाएगा ना, सो दिस इज dx इक्वल टू क्या होगा, 2 dt है. सो माय डियर फ्रेंड्स, एक 2 को तो ले लिया, सो दिस इज x का वैल्यू 0 है, t 0 है x, सो दिस इज इसकी हाफ हो गया एंड सो दिस इज 2t होल टू द पावर n, 2 माइनस 2t होल टू द पावर n dt है. सो दिस इज 2 इनटू आ. ठीक है, ये क्या होगा, सो दैट इज इज व्हाट, इफ ये क्या होगा देखो, सो दिस इज सो यहीं से 2 टू द पावर n, सो दिस इज 2 टू द पावर n, सो दिस इज 0 से हाफ t टू द पावर n, 1 माइनस t होल टू द पावर दिस. ठीक है, एंड ये क्या होगा, सो दिस इज व्हाट, सो दिस इज 2 टू द पावर 2n. ठीक है, क्लियर. सो दिस इज 0 से हाफ, इसको इस फॉर्म में ले लो, 1 माइनस x होल टू द पावर x, सो दिस इज हाफ को भी ले लो, कितना है इसका जो पीरियड है, सो दैट इज इज 1 है. सो दिस इज 2 टू द पावर n, 0 से 1, x टू द पावर n, 1 माइनस x, सो दिस इज व्हाट, ये क्या होगा, 2 टू द पावर 2n इनटू, सो दैट इज vn. Oh, so this is where, this is vn. So this is vn. So my dear friends, iska sath compare karo. So this implies that, theek hai? So lambda is equal to 2 hai. Lambda jab 2 hai, so this is, iska value kya hoga? So this is lambda plus 2 ka value. So that is equal to 4 hai. Theek hai? So my dear friends, try to understand
8, ठीक है, क्रैमिंग नहीं करना बिल्कुल, ठीक है, इससे अच्छा क्रैमिंग करने से अच्छा है कोई भी क्वेश्चन सॉल्व मत करो, इसे समझने का कोशिश करो, ठीक है, समझ तब तक समझने का कोशिश करना जब तक आप परफेक्ट नहीं बन जा रहे हो, सो प्रैक्टिस टिल यू परफेक्ट, ठीक है, एंड प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट, इफ यू प्रैक्टिस दिस टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम प्रॉपरली, सो माई डियर फ्रेंड्स, यू कैन चेंज योर फॉर्चून, यू कैन चेंज योर डेस्टिनी, एवरीथिंग इज इन योर हैंड, जैसा पढ़ाई करोगे वैसे आपको आउटपुट मिलेगा। नाउ वी डिस्कस लाइक दिस, सो माई डियर फ्रेंड्स, आज का जो यहीं पे क्या है, देखो समेशन ऑफ AII मीन्स क्या, A11, A12, सो पहले इसका बारे में सोचो, सो दिस इज समेशन ऑफ AII, I इज इक्वल टू 1 से n है, सो दैट इज व्हाट, दिस इज A11, A22, A33 एंड सो दिस इज ANN, ठीक है, अभी AIJ, ठीक है, सो दैट इज व्हाट, सो लाइक दिस, जब दोनों ही 1 है, सो 2 × 2 to the power, I का जगह पे 1, सो दिस इज 2 है, I का जगह पे 2 × 2 to the power, ठीक है, 200, I का जगह पे, ठीक है, सो दिस इज 3, 2 × 3, ठीक है, सो 3 to the power 100, अंडरस्टैंड, 3 to the power, I का जगह पे 4, 4 to the power 100, I का जगह पे, सो जब n होगा, सो 2 × n to the power 100, सो माय डियर फ्रेंड्स, यू कैन राइट 1 to the power 100, 2 to the power 100 एंड सो दिस इज n to the power 100, ठीक है, अभी तुम्हें लिमिट फाइंड करना है, सो दिस इज लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये जो समेशंस है, सो दिस इज समेशंस AI बाय n to the power 101, ठीक है, सो दिस इज व्हाट, इसका क्या मतलब है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 बाई n कर लो, एंड सो दिस इज 1 by n whole to the power 100, 2 by n whole to the power 100 एंड n by n whole to the power 100, अभी ये दिमाग में रखना है जिसका वैल्यू, ठीक है, वेरी कर रहा है, सो दैट इज द वैल्यू ऑफ r है, सो दिस इज क्या है, r by n whole to the power 100, r का वैल्यू क्या है, 1 से n है, देखो 1, 2, 3, सो दैट इज द वैल्यूज ऑफ r है, सो दिस इज 0 से 1, x to the power 100, ठीक है, सो दिस x to the power, इसका क्या होगा, अभी इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, x to the power 101 by 101, 0 से 1 है, सो दिस इज 1 by 101, सो माय डियर फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन देखकर नर्वस होने का कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, देखो जब ब्रेक कर लिया, सो दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन बन गया, ठीक है, किसी भी कंडीशंस में आप नर्वस नहीं होना, ठीक है, क्लियर, सो दैट मीन्स नर्वस हो जाओगे तो बस कहानी खत्म हो जाएगा। नाउ वील डिस्कस दिस क्वेश्चन, सो लाइक दिस, सो माई डियर फ्रेंड्स, यहीं पर जो क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन 4 है, क्या गिवन है, समेशंस ऑफ साइन इनवर्स, सो एक्स आई प्लस कॉस इनवर्स ऑफ वाई आई, सो दैट इज 9π, ठीक है, एंड आई इज इक्वल टू 1 से 6 है, कब ये 9π देगा, ना जब ए, ठीक है, जब ए 3π देगा, ए जब क्या है, ना 6π देगा, ठीक है, मैंने कैसे पता चल रहा है, ना साइन इनवर्स एक्स का जो रेंज है -π/2 से π/2 है, इसका रेंज जो है, सो दैट इज व्हाट, 0 से π है, ठीक है, क्लियर, सो दैट मीन्स क्या है, देखो, सो ये कब 9π होगा, ना जब दोनों ही मैक्सिमम वैल्यू देगा, इसको भी मैक्सिमम वैल्यू देना पड़ेगा, ठीक है, क्लियर, सो दैट मीन्स यहीं पे क्या होगा, सो देखो यहीं पे 6 टर्म है, कॉस इनवर्स y1, कॉस इनवर्स y2, अप टू कॉस इनवर्स y6, ठीक है, ईच टर्म जब तुम्हें पाई देगा तो 6π होगा, ये ईच टर्म क्या होगा, ना π/2 देगा, साइन इनवर्स x1 π/2, क्लियर, साइन इनवर्स x2 भी π/2, साइन इनवर्स x6 भी π/2 है, सो माय डियर फ्रेंड्स, सो हियर व्हाट विल गेट, ना x1 = 1 एंड सो दिस इज x6 है, और इधर क्या होगा, y1 = -1, सो दैट इज y6 है, cos π का वैल्यू क्या है, cos इनवर्स y1 = π, y1 = cos π, cos π का वैल्यू क्या है, -1 है, ठीक है, अभी इस इंटीग्रेशन का बारे में सोचो, सो दैट इज व्हाट,
ठीक है, यहीं पे क्या है, सो दिस इज ए, ए का वैल्यू क्या हो रहा है, देखो यहीं पे ए का वैल्यू, ए तो तुम्हें, सो ए का वैल्यू क्या हो गया, सो दैट इज व्हाट, 6 है, एंड बी का वैल्यू क्या होगा, सो दिस इज व्हाट, सो दिस इज माइनस 6 है, ए का वैल्यू, सो सॉरी, सो दिस इज बी टू ए होना चाहिए, ठीक है, बाय इधर अकॉर्डिंग टू दिस जैसा फॉर्मेलिटी होता है, सो दिस माइनस 6 है, 6 है, सो दिस इज व्हाट, एक्स ln ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एंड सो दिस इज ए टू द पावर एक्स, एंड सो दिस इज 1 प्लस ए टू द पावर 2x, ठीक है, सो दिस इज dx, ठीक है, अंडरस्टूड, सो माय डियर फ्रेंड्स, ये जो फंक्शंस है ये क्या होगा, देखो ये फंक्शंस, सो दैट इज इफ ये फंक्शंस क्या है, अभी देखो ये फंक्शन, सो दैट इज व्हाट, होल ऑफ दिस वन इफ, ठीक है, ये इवन फंक्शंस है, ये ऑड फंक्शंस है, ठीक है, क्लियर, जब ये ऑड फंक्शंस होगा तो इसका आउटपुट क्या मिलेगा, सो दैट इज इक्वल टू 0 है, ठीक है, क्लियर, सो माय डियर फ्रेंड्स, ठीक, ये जो फंक्शन है ऑड फंक्शन है तो इसका वैल्यू, सो दैट इज इक्वल टू 0 है, जब बड़ा बड़ा ऐसा बना के देगा तो आपको देख कर ही डर लग जाएगा, लेकिन उसका अंदर कुछ नहीं है, देखो इतना ये क्वेश्चन, ये इतना ही मैंने सॉल्यूशंस किया है, ठीक है, ये सब आपको समझना है। नाउ वी विल डिस्कस दिस क्वेश्चन, सो माय डियर फ्रेंड्स, इस टाइप का जब क्वेश्चंस होता है ना, क्लियर, देखो यहीं पे ये जो पार्ट है, जब इसको एक्चुअली क्या है, देखो इसका पहले मैं एक बार, अभी थोड़ा बाद में आपको पता चलेगा, सो दिस इज 3x स्क्वायर, एंड सो दिस इज ये क्या होगा ना, 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, क्लियर, सो दिस, जब इस टाइप का क्वेश्चन होगा आप क्या करोगे, इनडेफिनिट इंटीग्रल का वैल्यू मत फाइंड करना, पहले इनडेफिनिट इंटीग्रल फाइंड कर लो, ठीक है, क्यों फाइंड करना है एक बार देखो, सो दिस इज, यहीं से x क्यूब को बाहर निकाल दो, ठीक है, जब x क्यूब को बाहर निकालोगे तो क्या हो जाएगा, ये तो 4 हो जाएगा, ये क्या होगा 3/x है, ठीक है, ये क्या होगा देखो, सो दिस इज ये, सो दिस इज 2/2/x स्क्वायर, ये क्या होगा ना 1/x क्यूब है, ठीक है, सो दिस इज होल स्क्वायर, देखो जब x का वैल्यू 0 होगा ये तो m, ठीक है, x का वैल्यू 0 होगा तो इनफाइनाइट फॉर्म में आ जाएगा ना, ठीक है, इसीलिए मैं बोल रहा था, सो दैट इज व्हाट, ठीक, क्लियर, सो दिस इज 3x4 प्लस 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर, सो दिस इज dx है, ठीक है, क्लियर, अभी क्या करना है देखो, सो दिस इज बाय यहीं पे लिमिट भी पुट कर सकते, सो दिस इज ए क्या होगा, सो दिस इज 4 प्लस 3/x प्लस 2/x स्क्वायर प्लस 1/x क्यूब इक्वल टू t है, सो माइनस 3/x स्क्वायर माइनस 4/x क्यूब है, ठीक है, एंड सो दिस इज, और ये क्या होगा माइनस 3/x4, ठीक है, सो दैट इज व्हाट, सो दिस इज dx इक्वल टू dt है, अभी जो मैंने x टू द पावर यहीं पे x टू द पावर 3 को निकाला था उसको इससे डिवाइड भी करना था, राइट, यहीं पे ये गलती से लिख दिया, सो दैट इज व्हाट, x टू द पावर 6 से जब डिवाइड करोगे, सो दैट इज व्हाट 3/x स्क्वायर एंड 4/x क्यूब एंड 3/x टू द पावर 4, देखो ये पूरा आ गया ना, ठीक है, सो माय डियर फ्रेंड्स, सो दैट इज इक्वल टू इज व्हाट माइनस dt / t स्क्वायर, सो दैट इज व्हाट ना 1/ t + c है, ठीक है, सो दैट मींस क्या, सपोज दिस इज g ऑफ f(x) है, इंटीग्रेशंस मैंने तो बड़ा बड़ा करके फिर लिखना पड़ेगा, सो दैट इज व्हाट 1/ t, ठीक है, 1/ t मींस क्या, सो दिस इज 4 + 3/x स्क्वायर एंड 2/x स्क्वायर एंड सो दिस इज 1/x क्यूब, ठीक है, एंड 1/ t है, सो दिस इज 1/, सो दिस इज t है प्लस c,
अभी क्या होगा ऊपर इसको एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई कर दो, सो दिस इज एक्स क्यूब, सो 4x³ 3x² + 2x + 1 प्लस सी है। अभी लिमिट जब पुट कर दोगे सो वैल्यू क्या होगा ना, वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल, सो दिस इज वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल, सो दैट इज x³ by 4x³ + 3x² + 2x + 1 लिमिट 0 से 1 है, सो दैट इज व्हाट 4 + 3 + 2 + 1 - 0, सो माई डियर फ्रेंड्स दिस इज इक्वल टू 1/10 है। ठीक है, क्लियर? सो लाइक दिस, इस टाइप का क्वेश्चन को आपको इसी तरीका से सॉल्व करना है। सो माई डियर फ्रेंड्स रिमेंबर इट, इफ यू वॉन्ट टू क्रैक जेई एडवांस एग्जाम्स विद अ ग्रेट कॉन्फिडेंस यू हैव टू प्रैक्टिस दिस टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम प्रॉपरली, देन यू फील कम्फर्टेबल इन द सब्जेक्ट, सो दैट टाइम एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम यू कैन सॉल्व विदाउट एनी हेजिटेशन विदाउट एनी डिफिकल्टी। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज शेयर दिस वीडियो टू ऑल ऑफ योर फेसबुक व्हाट्सएप इंस्टाग्राम टेलीग्राम एंड ट्विटर फ्रेंड्स एज वेल एज ऑल सोशल मीडियाज अराउंड द वर्ल्ड। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल रेस्ट वाइट। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। दैट्स ऑल।